अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, सब कैसे हो आप? मैं हूँ आपका दोस्त शेफ अल्ताफ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त और यूनिक रेसिपी लेके आए हैं। इसका नाम है पर्दा पुलाव और इसका टेस्ट जैसे आम पुलाव होते हैं उस टाइप का नहीं है, बहुत ही लाइट टेस्ट होता है, हल्का टेस्ट होता है। हम जो मटन का गोश्त लेंगे आप दूसरा उसमें से कोई भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो हम आज बनाएंगे पर्दा पुलाव और क्या तरीकाकार होगा, कैसे बनेगा वो सब आपको दिखाते हैं, बताते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलते हैं, हम प्रोसीजर का आगाज़ करते हैं और बनाते हैं पर्दा पुलाव। पर्दा पुलाव बनाने के लिए हमारे पास जो इंग्रेडिएंट है हम आपको बता देते हैं वन बाई स्टेप। ये हमारे पास है छोटी इलायची, इसके चार पीसेज हैं, चार अदद छोटी इलायची है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लौंग हैं, तकरीबन 6-8 लौंग हैं। और उसके बाद जो हमारे पास है यहाँ पे बादियान का फूल है, ये दो हैं हमारे पास। इसका जो टेस्ट होता है और बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त फ्लेवर आता है, आपने शायद बनाया होगा, आप इसको लाइक करते हैं या नहीं करते, लेकिन ये पुलाव में बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। और इसके बाद हमारे पास जो है यहाँ पे ज़ीरा है, ज़ीरा हमारे पास 1 टीस्पून है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे लाल मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर है हमारे पास, ये 1 टेबल स्पून है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ज़ीरा है पिसा हुआ, ये हमारे पास 1 टीस्पून है। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है किशमिश है हमारे पास, ये हमारे पास 100 ग्राम है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सॉल्ट है, ये हसबे ज़रूरत है। और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट है हमारे पास, 1 टेबल स्पून है अदरक लहसुन मिक्स है। और साथ में हमारे पास ये हरी मिर्ची का पेस्ट है, ये भी 1 टेबल स्पून है। अच्छा, और वेजिटेबल में जो हमारे पास है रेड चिल्ली है, रेड चिल्ली हम साबुत डालेंगे इसमें। और ये तकरीबन हमारे पास 8 से 10 पीसेस हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक गड्डी जो हमारे पास पुदीना है कटा हुआ। और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है 2 ऑनियन हैं कटे हुए स्लाइस। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है गाजर हमने स्लाइस काटे हुए हैं, ये इस तरीके के देखें, आप काट ले सकते हैं इसको। हमने लिए हैं 2 गाजरें, हमने इनको स्लाइस काट लिया है। और उसके बाद जो हमारे पास हैं यहाँ पे राइस हैं, राइस हमने लिए हैं 1 किलो। तो ये आपको दिखाने के लिए हैं, ये कम है, हमने 1 किलो लिए हैं और पानी में डाल दिए हैं, भिगो दिए हैं, ताकि उसको 20 मिनट जो होता है भिगो के रखना पड़ता है, तो इसलिए हमने आपको दिखाने के लिए ये रखे हैं। 1 किलो हमारे पास राइस हैं। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है मटन जो है हमारे पास, ये है शेग, जो जिसको पिंडली कहा जाता है, मटन की रान के जो बाद में होती है, जैसे चिकन में जो विंग्स कहा जाते हैं, ये वो हैं, पूरा इसका लेग नहीं है। हमने ये देखे निकाले, वो आपको दिखा दें यहाँ पे, ये देखें इस टाइप का होता है छोटा सा। तो आप इसमें दूसरा मीट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आई डोंट नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास ये है 2 किलो, 1 किलो राइस है और ये 2 किलो मटन है। ये जो हमारे पास जितनी भी इंग्रेडिएंट्स हैं यहाँ पे, ये सब जो हैं 2 किलो की हैं, 2 किलो मटन और 1 किलो राइस। और उसके बाद हमारे पास एक चीज़ और है यहाँ पे, ये आटा है। आटा जो है हमने क्या करना है, इसको जब ऊपर सब चीज़ राइस वगैरह ये सब बना के मिक्स करके हम उसके ऊपर बेक करेंगे ओवन में, तो ये इसके ऊपर हम आटा लगाएंगे, जिसका नाम है पर्दा पुलाव। तो चले हम शुरू करते हैं तरीकाकार। यहाँ पे ऑयल है, ये हम इसमें इस्तेमाल करेंगे 1 कप। अच्छा, ये हमारे पास है बर्तन, हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप ऑयल। ऑयल जैसे ही गर्म होगा हम इसमें ऐड करेंगे सबसे पहले किशमिश, और इसको थोड़ा सा हल्का सा हमने फ्राई करना है। और इसके साथ ही हम ये जो हमारे पास गाजर है वो भी ऐड कर देते हैं, इन दोनों को हमने फ्राई करना है। अच्छा, हमने इसको हल्का सा फ्राई करना है, ये देखें जैसे फूल जाएगी तो हम इसको निकाल लेंगे। एक बर्तन में अलग कर लेते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास हम इसमें ऐड करेंगे, हमारे पास जो प्याज थी 2 अदद वो ऐड कर देते हैं इसमें।
सा प्याज हमारे यहाँ पे थोड़े से हल्के से जैसे ही नरम होंगे हम इसमें ऐड करेंगे हमारा जो गरम मसाला है, जो ज़ीरा है हमारे पास वो ऐड कर देते हैं इसमें, और छोटी इलायची, उसके बाद बादियान, और उसके बाद हमारे पास जो यहाँ पे लौंग है वो भी इसमें ऐड कर देते हैं, और इसको थोड़ा सा हम अभी भुनेंगे। और जैसे ही इसमें खुशबू आना शुरू हो जाएगी तो हम इसमें ऐड कर देंगे हमारे पास जो ज़ीरा पाउडर है, और उसके बाद हमारे पास जो लाल मिर्च पाउडर है, और उसके साथ ही हमारे पास लहसुन अदरक का और हरी मिर्ची का पेस्ट वो भी इसमें ऐड कर देंगे। और थोड़ी देर इसको भूनना है हमने हल्का सा, और ये भुन गया तो हमारे पास यहाँ पे गोश्त है हम भी इसमें ऐड कर देते हैं वो भी, और जो लास्ट में हमारे पास नमक बचा हुआ है वो भी इसमें ऐड कर देते हैं हम, और इसको थोड़ा सा सौते करेंगे। और जैसे ही हम थोड़ा सा इसको भूनेंगे और उसके बाद हमारे पास ये चीज़ है जो पुदीना और हरी मिर्ची ये भी इसमें ऐड कर देते हैं, और यहाँ पे अब ऐड करेंगे पानी। अच्छा, पानी तकरीबन हमने इसमें डाला है 2 लीटर, और अभी इसको थोड़ा सा बॉयल आएगा, जैसे ही बॉयल आएगा तो आगे का प्रोसीजर बताएंगे क्या करना है। ये देखें जैसे ही जोश आएगा हमारा हम इसको निकालेंगे, एक ट्रे में ऐड करेंगे, ये एक ट्रे है हम इसमें ऐड कर देंगे सब। अच्छा, ये हमारे पास चावल हैं भीगे हुए, हम इसमें ऐड करेंगे फैला के, और चावल के बाद हमारे पास ये जो है हम ये भी इसमें ऐड कर देते हैं किशमिश। और अच्छा, ये देखिए हमारे पास ये ट्रे का साइज बड़ा है, आप छोटी में भी ले सकते हैं, बना सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। और इसको कवर करेंगे हम यहाँ पे आटे से, आटा भी हमने ये देखिए बेल दिया है बड़ा बड़ा, ये बड़ा बड़ा हमने जो बेल लिया है इसके ऊपर कवर कर देते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे करना है। ये देखें हमने इसको पैक कर लिया है, कहीं से थोड़ा थोड़ा जोड़ लगाए हैं, तो ये हो गया। अभी इसको ओवन में डालते हैं, हम ओवन में बेक करेंगे। ओवन में, ओवन का टेम्परेचर है 180 दोनों का, ऊपर का और नीचे का, और इसमें लगेंगे 45 मिनट। अच्छा जी, ये देखें हमारा ये रेडी हो चुका है, अब इसको हम डिश आउट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये मैं एक दिखा दूँ आपको झलक यहाँ पे, ये देखें, ओहो बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है, अब निकालते हैं इसको। चले, ये देखें डिश आउट कर लिया हमने, आपको दिखा दिया है, और आप बनाएं ट्राई कीजिए, जब तक के लिए ओके, अल्लाह हाफिज़। बहुत ही ज़बरदस्त और यमी टेस्ट बना है, आप इंशाल्लाह ज़रूर ट्राई करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।